आपकी जिंदगी का एक एक पल दुखों में डूबा हुआ है और आप हमेशा हमारे सामने मुस्कुराती रही। भगवान ने कैसा भाग्य लिखा है उसका कि किसी से उसके जन्म पत्रे ही नहीं मिलते। देखना सुधा, अपनी निहारिका को बहुत अच्छा पति मिलेगा। भगवान करे ऐसा ही हो, उसकी शादी जल्दी हो जाए। निहारिका बिटिया को समझाइएगा कि पढ़े लिखे लड़के के इंतजार में अपनी जिंदगी बर्बाद ना करे। कितनी भाग्यशाली है हमारी बिटिया, लोग लाखों का दहेज लिए बैठे हैं फिर भी अपनी बेटियों को घर से विदा नहीं कर पा रहे हैं, और भगवान ने हमें ऐसा परिवार दे दिया जो हमारी बेटी को ही सबसे बड़ा दहेज समझ रहे हैं। तेरी शादी सर पर आ चुकी थी, सारी तैयारियां हो चुकी थी, पापा मम्मी सब बहुत इमोशनल थे इस बात को लेकर के कि मैं बहुत जल्दी पराई हो जाऊंगी। पापा ने शादी की सारी तैयारियां कर ली थी, लेकिन भाग्य में कुछ और ही लिखा था। उस दिन पापा ज्वेलर शॉप में मेरे लिए ज्वेलरी लेने जा रहे थे। अरे कहाँ जा रहे अभी? मैं सराफे जा रहा था सुनार के पास। अच्छा अच्छा, नए गहने बनवाने के लिए। हाँ ठीक है जाइए, उसको बोलिएगा कि नए लेटेस्ट डिजाइन का गहना बनवा कर देने के लिए। अरे सुधा, मैं अपनी बेटी के लिए ऐसे शानदार गहने बनवाऊंगा कि सब देखते रह जाएंगे। निहारिका जब विदा होगी अपने घर से तो गहने से लदी होगी। हार कंगन अंगूठी सब बनाने के लिए कह दिया है सुनार को। भाई हम दहेज तो कुछ दे नहीं रहे, तो कम से कम ढंग के जेवर ही चढ़ा दिया अपनी बेटी को। ठीक है जाइए जाइए, जल्दी वापस आ जाइएगा, कहे कि घर में बहुत काम पड़ा हुआ है। तुम चिंता मत करो, सब हो जाएगा। ठीक है भगवान, इतना बड़ा अभिषेकन। अरे सुधा, तुम कौन से जमाने में जी रही हो? अरे दूध गिरना भी कहीं अशुभ होता है? नहीं जी, कहते तो सब यही हैं कि दूध का फटना और गिरना अशुभ होता है जी। निहारिका बेटा, तुम ही समझाओ अपनी माँ को। अरे भगवान के यहां कोई घड़ी अशुभ नहीं होती, सब शुभ ही शुभ होता है। मम्मी ऐसी छोटी छोटी बातों का वहम नहीं करते हैं। पापा आप जाइए, अगर भगवान ने चाहा तो सब अच्छा ही होगा। ठीक है मैं चलता हूं। पापा भी क्यों नहीं आए? निहारिका निहारिका, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है, तुम्हारे पापा अभी तक घर वापस नहीं आए।
जरा एक बार फोन करके देखो ना, कहाँ है वो? मम्मी, मैंने थोड़ी देर पहले ही फोन ट्राई करके देखा था, पापा का फोन बंद आ रहा है। पर फोन तो कभी वो बंद रखते ही नहीं है। मम्मी, पापा सुबह से बाहर है ना, हो सकता है उनकी मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई हो। पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत बैठा जा रहा है, एक बार फिर से फोन लगा कर देखो ना बेटा। ठीक है मम्मी, मैं फिर से ट्राई करती हूँ। तो पापा की आदत वो अच्छी तरह से जानती है कि जरा सभी देर होने पर वो फोन करके बता दिया करते थे, पर आज क्या हुआ बेटा, फोन लगा? पापा का फोन अब भी बंद आ रहा है। अच्छा, तुम्हारे पास चंपकला सोनार का फोन नंबर तो है ना? हाँ है। तो फिर ऐसा कर, वहां फोन लगा करके देखो कि कहीं ऐसा तो ना कि तुम्हारे पापा वहां बैठ के गहने बनवा रहे हो। ठीक है, मैं अभी ट्राई करती हूँ। हेलो, चंपकलाल ज्वेलर्स। देखिए, मैं जीवन राम जी की बेटी निहारिका बोल रही हूँ। पापा है क्या वहाँ? अच्छा, वो कहने लेकर दोपहर में ही निकल गए थे। ओके, थैंक्स। क्या हुआ बेटा? वो तो कह रहे हैं कि पापा दोपहर में ही निकल गए थे गहने लेकर। ये भी ना बहुत लापरवाह हैं। लोगों ने रोक रखा होगा और समाज सेवा में अपने घर भूल गए। मम्मी, मैं अभी जाकर पापा को ढूंढ कर लाती हूँ। अरे, अभी इतना रात में तुम कहाँ जाओगी अकेले? मैं पूरे शहर में ढूंढूंगी उन्हें, कहीं तो होंगे ना वो। मैं अभी जाती हूँ। हेलो, हेलो पापा जी। जी हाँ, ये उन्हीं का नंबर है। क्या निहारिका? निहारिका, क्या हुआ निहारिका? पापा का फोन था, बोलो। क्या हुआ तेरे पापा को निहारिका? क्या हुआ, बोलो ना। आ, 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 आ,
कैसे हो गया? देखने वाले बता रहे थे कि जीवन राम जी सोनार के यहां से गहने लेकर आ रहे थे, अचानक कुछ गुंडे उनके पीछे पड़ गए, गहने छीनकर उनकी हत्या कर दी। पापा की मौत के बाद तो हमारी दुनिया ही उजड़ गई थी, लेकिन राकेश के पापा मम्मी ने उसी मुहूर्त पर शादी करने की बात रखी और शादी की तैयारियां शुरू हो गई। शिवानी, इस हालत में मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था कि मैं निहारिका की शादी करूं। सुधा, मैं तुम्हारी भावना को समझ सकती हूँ। घर में इतना बड़ा हादसा हुआ है और तुम्हें अपनी बेटी की शादी करनी पड़ रही है, लेकिन इसे भगवान की मर्जी समझो। समझो कि ईश्वर ने यही चाहा था। और देखो, खुशी के मौके पे रोते नहीं। रोना तो इस बात पर आ रहा है कि मेरी बेटी कितनी अभागन है कि कन्यादान करने के लिए इसके पिता तक नहीं रहे। सुधा, विधि के विधान को कौन बदल सकता है? जीजा जी अगर होते तो इस मौके की खुशी कुछ और होती। लेकिन दुआ दो कि निहारिका के ससुराल वालों ने मुहूर्त पर ही शादी करने की ठानी है। वाकई में हमारी जिंदगी में तो भगवान ने उन्हें फरिश्ता बनाकर भेजा है। उनके लिए दिल से दुआ निकलती है। उनके लिए दिल से दुआ निकलती है। चाची, आपको राकेश के माता पिता बुला रहे हैं। शिवानी, तुम निहारिका को तैयार करके मंडप में लेकर आओ, मैं उनसे मिलती हूँ। ठीक। तुम्हारे साथ में राहुल भी आया होगा ना? हाँ, लेकिन वो बारातिये के स्वागत में लगा हुआ है। तुम चिंता मत करो, तुम जाओ और मैं निहारिका को लेकर आती हूँ। ठीक है। ठीक, जा। अच्छी तरह से समझ गए ना? मैं अच्छी तरह से समझ गया हूँ, बस सुधा को तो आने दो। अच्छा सुनो, काम पक्का करके आए ना? मैं काम बिल्कुल पक्का करके आया हूँ, तुम चिंता मत करो। भाई साहब, आपने बुलवाया? कहिए ना, क्या बात है? जी, वो क्या है कि आपसे कुछ बात करनी थी। कहिए, क्या बात है? यहाँ नहीं, अकेले नहीं। बहन जी, किसी चीज में कोई कमी रह गई क्या? कोई शिकायत तो नहीं है ना? समधन जी, ऐसी कोई बात नहीं, ये तो अपना घर है। फिर भी कोई कमी रह गई हो तो? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई कमी नहीं है। हाँ, चलिए तो सही। अरे राहुल बेटा। नमस्ते आंटी। तुम तो बहुत बड़े हो गए हो, खुशी हो रही है तुमको देखकर। तुम आराम से बैठो, मैं अभी आई। आंटी जी, मैं आप बैठने नहीं, काम करने आया हूँ। आप मेरी बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। भगवान तुम्हें खुश रखे। चलिए जी। आ,
अरे समधिन जी, आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप इन पेपर्स पे साइन कर दीजिए। ये पेपर किस चीज का है भाई साहब? आपके घर के हैं समधिन जी। समधिन जी, आप ये समझ लीजिए कि इन पेपर्स पे साइन करके आप अपने बेटी और अपने दामाद के भविष्य पे हस्ताक्षर कर रही हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए भाई साहब। वैसे भी तो ये घर आप ही का है, अब इस दुनिया में मेरी बेटी और दामाद के अलावा है कौन? और मैं कितने दिन जीऊंगी? तो फिर इस पेपर पे साइन करने की क्या जरूरत है? बहन, आपको जरूरत नहीं है, हमें तो जरूरत है ना। साइन कर दीजिए। साइन कर दीजिए आप। देखिए, साइन करने के लिए तो मैं कर सकती हूँ, लेकिन ये घर निहारिका के पापा का आखिरी निशानी है। अरे बहन, वो भी तो नहीं लेके गए ना साथ, आप भी नहीं लेके जाओगी? ये घर मेरे बाद तो आप ही का है, और इस शुभ अवसर पे अशुभ बातें करना अच्छा नहीं लगता। देखिए संदीप जी, अगर ये बारात यहां से वापस चली जाती है तो ये भी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। ये क्या कर रहे भाई साहब, ये क्या कर रहे? मुझ विधवा पर इतना बड़ा जुल्म। सोच लीजिए संदीप जी, अगर बारात वापस चली गई तो आप अपने समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। दहेज तो मांग नहीं रहे हम आपसे, और ऊपर से आपकी बेटी मांग ली। समधन जी, अगर फेरे नहीं हुए, बारात वापस चली गई तो जिंदगी भर अपनी बेटी को लेके बैठे ही रह जाओगी, कोई थूकने भी नहीं आएगा। नहीं भाई साहब, आप ऐसा नहीं कर सकते। मुझ विधवा पर इतना बड़ा जुल्म मत कीजिए भाई साहब। मेरे पास जो कुछ भी है सब ले लीजिए, लेकिन फेरे मत रखिए भाई साहब। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी में कोई अशुभ हो। लाइए लाइए, मैं घर के पेपर पर साइन कर देती हूँ। लीजिए, बस साइन कर दीजिए। मैंने तोड़ दी ना तो इस लड़की के मुंह पर कोई थूकेगा भी नहीं। नहीं करनी मुझे ये शादी, ले जाइए अपनी ये बारात। ये दिन देखने से तो अच्छा था कि मैं भी इसके पिता के साथ ही इस दुनिया से चली गई होती।
मैं ये शादी किसी भी कीमत पर नहीं कर सकता हूँ। लेकिन बेटा मैं अपनी जुबान दे चुकी हूँ।